हेलो गाइस, मैं शैलेन और मेरा चैनल शूट माय स्टाइल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अभी बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है? दो लड़कियों को पकड़ा और पांच लड़कों को पकड़ा, टोटल मिला के हो गए सात लोग। ये सात लोगों ने कितना पैसा कमाया? 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ। और क्यों, कैसे कमाया? वीडियो कॉल का स्कैम करके। जी हाँ, न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम करके। जिन लोगों के साथ ये वीडियो कॉल का स्कैम हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आता है, उस वीडियो कॉल को आप जैसे ही पिक करते हैं तो आप सामने देखते हैं एक लड़की होती है और वो लड़की न्यूड हो जाती है। फिर जो आप वीडियो देख रहे होते हैं उस लड़की का, वही वीडियो आपकी फोटो के साथ मिलाकर आपको भेजा जाता है और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये जो वीडियो है ये क्लिप आपकी वायरल कर दी जाएगी अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो। ये पूरा जो केस है ये दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा था। दिल्ली में एक किराए पर घर लेकर और ये पूरा केस ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें बहुत सारे लोगों को फंसाया जा चुका था। अगर मैं पिछले एक स्लॉट की बात करूं तो 1.5 साल के अंदर 48 से ज्यादा लोगों से इन्होंने पैसे की वसूली की थी और इन्होंने अभी तक जितनी भी कमाई की थी वो 1.5 करोड़ रुपए की कमाई थी। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए, सात लोगों में डिवाइड कर दिए 1.5 करोड़ को। अच्छा खासा अमाउंट एक पर्सन के पास बनता है। एक एक आदमी के साथ जब ये फ्रॉड केस होता था तो उससे ये लोग 5 से 10 लाख रुपए वसूलने की कोशिश करते थे। अब ये पूरा जो केस अंजाम देते थे ये देते कैसे थे? होता क्या था कि एक सबसे पहले ये फेसबुक पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। फर्जी प्रोफाइल बनाने के साथ साथ ये क्या करते थे, दो तरीके से बेसिकली ये धंधा करते थे। एक तो वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके आपको डायरेक्ट फंसाया, आपके साथ वीडियो क्लिप शेयर करी, फिर आपसे पैसे की वसूली की। दूसरा इनका जो मेन धंधा रहता था जिससे इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए कमाया, वो धंधा क्या था इनका, ये क्या करते थे, एक फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे जिसमें बहुत सुंदर सेक्सी हॉट गर्ल का फोटो लगाते थे और फिर वो फर्जी जो प्रोफाइल होता था उससे ये किसी जेंट्स को फंसाते थे जो एक हाई प्रोफाइल पैसे वाला आदमी होता था। उससे ये फेसबुक से चैटिंग करते थे, फेसबुक से 4-5-6 दिन चैटिंग करने के बाद फिर सिलसिला यहाँ आता था कि अब हम मिलें। फिर जब वो बंदा भी चैटिंग करते करते एक बहुत अच्छे रिलेशन पे आ जाता था, उसके बाद फिर जो ये दो लड़कियाँ होती थी ये कॉलिंग पे बात करती थी और कॉलिंग पे बात करने पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी जिससे उनको ऐसा लगे कि ये बहुत जेन्युइन लड़की है, बहुत अच्छी बातें करती है, सोच से भी बहुत अच्छी है। और जो आदमी होता था, जो हाई प्रोफाइल बंदा होता था, जो अच्छा पैसे वाला बंदा होता था, बिजनेसमैन बंदा होता था, उसको ये लोग फिर अपने जाल में फंसाते थे। अब फंसाने के बाद ये लोग करते क्या थे, कैसे फंसाते थे मैं बोलूँ तो, ये क्या करते थे कि वो जो लड़कियाँ होती थी वो कॉल पर बात करके बोलती थी कि अब हमें कहीं पर मिलना चाहिए। जब वो बंदा इस बात को एक्सेप्ट करता था कि हाँ ठीक है, हम बहुत दिन बात करते करते हो गया, ऑब्वियसली इस तरीके के केसेस में क्या होता है कि लोग बहक जाते हैं, फिर वो सोचते हैं हाँ आप तो लड़की से मिलना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत अच्छी स्वीट सी आवाज़ है, तो वो बिजनेसमैन जो था वो इन लड़कियों के बताए हुए एड्रेस में पहुंच गया। और जब वहां पर पहुंचने के बाद इन लोगों में बातचीत हुई, बातचीत होने के साथ साथ जब इन लोगों ने जैसे ही शारीरिक संबंध बनाए वैसे ही एक फर्जी पुलिस की टीम ने आकर कमरे के अंदर दबिश दी और पूरा इस तरीके से सिनेरियो बनाया कि पुलिस की रेड पड़ गई है। अब ऐसे में अगर कोई बिजनेसमैन है जो अच्छा खासा पैसा कमाता है तो ऑब्वियसली ऐसे केस में वो अच्छी खासी रकम देने को तैयार हो जाएगा सो दैट कि उसकी बदनामी ना हो, और उसी चीज का ये लोग बेनिफिट उठाते थे। पश्चिम बिहार के एरिया से ये जो केस ऑपरेट किया जा रहा था ये इसी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था और इसमें कई सारे लोगों को इसी तरीके से फंसाया गया। जो सबसे ज्यादा मोटी रकम जो वसूली गई वो इसी तरीके से रकम वसूली गई। ये इस तरीके का केस करके हर एक बिजनेसमैन से कम 5 से 10 लाख रुपए वसूलते थे सो दैट कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो इनको इतने पैसे देता था। और ये अभी तक 48 से ज्यादा लोगों के साथ इस तरीके के केस कर चुके थे और यही वजह है कि 1.5 करोड़ रुपए की वसूली। इनके पास से 4 सिम कार्ड मिले, एक स्कूटी मिली और ड्यूरिंग इस पूरे गंदे काम को करने में ये बहुत सारी चीजें नकली अपने पास रखते थे सो दैट कि इनका कुछ पता ना लग सके।
कभी कभी बातचीत में कोई बिजनेसमैन ये भी पूछ लेता था आपका आइडेंटिटी क्या है, तो ये नकली अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब चीज़ शेयर किया करते थे। एक बिजनेसमैन के साथ बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ। उसने केस होने के बाद पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई और फिर बाद में इनका पूरा ग्रुप पकड़ा गया और इस ग्रुप को पकड़ने के साथ साथ इनके पास से बहुत सारी चीज़ें और बरामद हुई, जिसमें सोना चांदी, कैश कार्ड, सिम कार्ड और व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ें इनके पास मिली। तो सोचिए कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके पास कितना पैसा रहता है, 1.5 करोड़ रुपए। इट्स नॉट अ मजाक, इट्स नॉट अ जोक। इस तरीके से फर्जी फ्रॉड कर करके लोग पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा कहाँ से आता है, लोगों की मेहनत से। मैं उन बिजनेसमैन को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा जो इस तरीके के केसेस में फंसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में एक अपना अच्छा लाइफ पार्टनर भी चूज करते हैं इसी तरीके से। बट हर कोई बंदा गलत हो ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत से लोगों की अपनी लव मैरिज होती है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस पे होती है, वो भी समटाइम्स कुछ इसी तरीके से मिलते हैं। बट हर किसी को गलत मान लेना ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये लोग पर्टिकुलरली ऐसे केसेस को अंजाम देते थे पैसे की वसूली करने के लिए, ये गलत था। तो एनी हाउ पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, 7 लोगों को पकड़ा, 2 लड़कियां 5 लड़के, और इस गैंग को पकड़ने के बाद एटलीस्ट जो क्रिमिनल्स थे वो कुछ तो कम हुए, चाहे वो इतनी छोटी सी क्वांटिटी क्यों ना कम हुई, बट एटलीस्ट कुछ तो कम हुए। दिल्ली से कुछ तो क्राइम कम हुआ, हो सकता था इसकी लपेटे में आप आते, मैं आता या कोई भी और आता, बट आता तो जरूर। तो दिल्ली पुलिस को सलाम। आपको ये इन्फॉर्मेशन सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।